दोस्तों आज टीवी इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो शादी करके अपने नन्हे बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, क्योंकि एक माँ बनना दुनिया के सबसे बड़े सुख में एक माना जाता है। इसलिए तो आज इस सुख को प्राप्त करके कई अभिनेत्रियां काफी सुखी है। पर जहाँ टीवी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां इस सुख को पाकर बेहद खुशहाल जिंदगी जी रही है, तो वही हमारी साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्हें माँ बनने का अभी तक सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं कि इन अभिनेत्रियों की मनोकामना अभी अधूरी है। नंबर एक, प्रीति जिंटा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अभिनेत्री प्रीति जिंटा का शामिल है, जिन्होंने अमेरिका में रहने वाले फाइनेंशियली एनालिसिस जीन से साल 2016 में शादी रचाई थी, मगर आज इनकी शादी को 5 साल होने वाले हैं। मगर अभी तक प्रीति जिंटा की गोद सूनी है, जो काफी समय से मां बनने की चाह में बैठी है। नंबर दो, ममता कुलकर्णी। करण अर्जुन फेम एक्टर ममता कुलकर्णी का नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में रहकर अपने करियर को दबा कर दिया, जिसकी वजह से ना तो आज ये पत्नी बन पाई और ना ही इन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। नंबर तीन, रेखा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती से सभी के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री रेखा ने साल 1990 में एक्टर मुकेश अग्रवाल के साथ शादी रचाई, पर अफसोस इनकी शादी को 1 साल नहीं हुए कि इनके पति का देहांत हो गया, जिसके बाद से ही रेखा आज तक विधवा भरी जिंदगी जी रही है और इन्हें माँ बनने का सुख नहीं मिला। नंबर चार, श्रेया सरन। एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम कर चुकी अदाकारा श्रेया सरन ने साल 2018 में आंद्रेई से शादी रचाई थी, जिसके बाद से ही लोग इनके मां बनने की कामना कर रहे थे, पर अफसोस शादी के 3 साल बाद इनकी गोद सूनी है। नंबर पाँच, राधिका आप्टे। बैडमैन और बदलापुर जैसे फिल्मों में काम कर चुकी अदाकारा राधिका आप्टे का नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने साल 2012 में बिजनेसमैन बेनेडिक्ट से शादी रचाई थी, पर अफसोस आज इनकी शादी को 8 साल होने के बावजूद भी ये मां नहीं बन पाई। नंबर छह, दीपिका पादुकोण। बाजीराव मस्तानी गर्ल दीपिका पादुकोण का नाम इस लिस्ट में आता है, जिन्होंने साल 2018 में बॉलीवुड के एनर्जेटिक हीरो रणबीर सिंह से शादी रचाई और आज इनकी शादी को 3 साल होने वाले हैं, मगर अभी तक इनकी गोद सूनी है। नंबर सात, तब्बू। 90 के दशक की खूबसूरत अदाकाराओं में एक है तब्बू, जो प्रोफेशनल लाइफ में तो काफी सक्सेसफुल है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ काफी दुख भरी है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में जिससे भी प्यार किया उन्हें धोखा मिला, इसलिए तो आज इन्हें पति का सुख मिला और न ही बच्चों का, तभी तो 50 साल की उम्र में ये आज भी कुंवारी है। नंबर आठ, काजल अग्रवाल। बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ साउथ फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने साल 2020 में गौतम कचलू के साथ शादी रचाई, पर शादी के 1 साल बाद भी काजल की गोद अभी भी सोनी है। नंबर नौ, नगमा। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म सुहाग के साथ साउथ इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री नगमा 46 साल की उम्र में आज भी कुंवारी है। जी हाँ, अभिनेत्री नगमा ने भी जिस शख्स से दिल लगाया उन्हें इन्हें धोखा मिला और इसीलिए न इनकी शादी हो पाई और न बच्चों का प्यार मिल पाया। नंबर दस, आयशा जुल्का। बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री आयशा जुल्का 90 के दशक की सबसे टॉप अभिनेत्री कहलाती हैं, पर अफसोस साल 2003 में इन्होंने समीर बख्शी से शादी की और टीवी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कहती। आज इनकी शादी को तकरीबन 17 साल हो चुके हैं, लेकिन इनके घर में किलकारी नहीं गूंजी। तो दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री के घर में जल्द से जल्द बच्चे की किलकारी गूंजते हुए देखना चाहते हैं? आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और जबरदस्त खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।